और सागर में इस वक्त आपको लिए चलेंगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और एक रोड शो कर रहे हैं। इन दिनों हर जगह मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं जन आभार यात्रा के रथ के साथ। और एक बार फिर से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आभार यात्रा लेकर सागर में। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्ट वर्ग इस इलाके से आता है। और आप देखें रथ के ऊपर सवार इलाके के सभी जनप्रतिनिधि आपको दिखाई पड़ेंगे। गोविंद सिंह राजपूत हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वे भी मौजूद हैं। इसके अलावा सागर से जो विधायक हैं वे भी मौजूद हैं। तो सभी जनप्रतिनिधि इस जन आभार यात्रा के रथ के स्वागत में आतुर भी दिखाई पड़ रहे हैं और रथ पर मुख्यमंत्री सवार होकर जनता का आभार व्यक्त करने आए हैं। जन आभार यात्रा सागर पहुंची है, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन और उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, गोविंद सिंह राजपूत, ये सभी रथ के ऊपर सवार हैं और काफी संख्या में सागरवासी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। एक बड़ा रोड शो है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बुंदेलखंड दौरा है आज मुख्यमंत्री का। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं इस इलाके में। तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से, बुंदेलखंड के इस अंचल से। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता का भरपूर साथ मिला। पिछली सरकारों में भी 3 से 4 मंत्री कैबिनेट के इसी इलाके से रहा करते हैं। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के बाद, जीत के बाद, शानदार जीत के बाद ये रोड शो किया है जिसमें जन आभार यात्रा का नाम दिया है। मुख्यमंत्री हर एक
अंचल में पहुंच रहे हैं, संभाग में पहुंच रहे हैं और इस इलाके की जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। और इसी के तहत आज पहुंचे हैं बुंदेलखंड के सागर और यहां जन आभार यात्रा शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ इलाके के सभी विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं। ये रथ यात्रा, ये इनका आभार रथ तय स्थान से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जगह जगह मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी उमेश यादव इस वक्त जुड़ गए हैं सागर से। उमेश, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, शैलेंद्र जैन है स्थानीय विधायक, शैलेंद्र सिंह राजपूत, शैलेंद्र जैन के साथ साथ जो तमाम वहां के स्थानीय विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री जी का इलाके में, बताएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये सीएम बनने के बाद पहला दौरा है सागर का और ये यहाँ पर जो आभार सभा अभी चल रही है, रोड शो हो रहा है उनका, 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जो हेलीपैड से सुविधा होते हैं गोपालगंज तक जाएगा ये। इसके बाद जो है इनकी आम सभा भी है जिसमें विकास कामों का जो है वो लोकार्पण करेंगे, कुछ शिलान्यास भी करेंगे, लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत का जो है वो उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद जो है वो सागर के कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय समीक्षा बैठक भी हो रही है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे, साथ ही जो जिले में विकास काम चल रहे हैं और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको लेकर भी समीक्षा करेंगे। इस तरीके से सागर का आज पहला दौरा है और लगभग 4.5 घंटे सागर में सीएम रहने वाले हैं और पहली बार जब आए हैं तो इनका गर्मजोशी से सागर में स्वागत हो रहा है और रोड शो हो रहा है जिसमें सागर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो सारे लोग उत्साहपूर्वक उनको स्वागत कर रहे हैं और गोविंद राजपूत जो बुंदेलखंड के इकलौते कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनके मोहन यादव की कैबिनेट में वो भी साथ में है। साथ में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव सिंह और विधायक हैं प्रदीप लारिया चैलेंजन सहित तमाम बीजेपी के नेतागण जो है वो मौजूद हैं और उनका भी रोड शो चल रहा है। जी, क्या किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने का भी कार्यक्रम है? हमने देखा है कि जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं समीक्षा बैठकों के साथ कुछ सौगातें देते हैं, संबोधन भी होता है, कई जगह स्वागत के भी कार्यक्रम होते हैं। जी हाँ, ये रोड शो में तो 200 जगह लगभग जो है उनके स्वागत के पंडाल लगे हैं। रोड शो के बाद जो है स्थानीय पीटीसी ग्राउंड है वहाँ पर जो है आम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें वो आम सभा को आप पब्लिक को एड्रेस भी करेंगे। वहीं से जो है कुछ विकास काम है जो स्मार्ट सिटी के विकास काम पूर्ण हो चुके हैं, जैसे सागर के बस टर्मिनल है तो उनका लोकार्पण भी वो करेंगे, साथ में कई रोड भी हैं उनका भी लोकार्पण करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है स्मार्ट सिटी की तरफ से तो वो उसका भी लोकार्पण होगा। साथ ही और भी इनसे अपेक्षाएं की गई हैं तो और भी जो नए प्लान जो स्मार्ट सिटी ने और नगर निगम ने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो बना के रखे हैं, जो विकास कामों की और कमी बेसी रह गई है जो सूचित ग्रामीण है, उम्मीद है जैसे राजघाट परियोजना जो जिससे पेयजल सप्लाई पूरे शहर को होती है उसकी बांध की ऊंचाई बढ़ने का एक लंबित बहुत पुराना जो प्रस्ताव है वो अभी तक लंबित था तो उम्मीद है कि शायद वो आज जनसभा में उसकी भी घोषणा कर सकते हैं कि वो बराजगार बांध की ऊंचाई बढ़ने से जो है 24 घंटे पेयजल सागर उपलब्ध रहेगा, इस तरीके से और भी विकास कामों की वो घोषणा कर सकते हैं। जी, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सागर से जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं, जन आभार यात्रा में शामिल हुए हैं, कई स्थानों पर उनका स्वागत हो रहा है, एक समीक्षा बैठक इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर भी करने वाले हैं।
सागर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो यहां पर कर रहे हैं। जन आभार यात्रा सागर में निकाली जा रही है और इस तरीके से जनता का आभार यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जता रहे हैं। आज बता दें सागर को कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली और इसके बाद संभागीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर में लेने वाले। सागर से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो की। जन आभार यात्रा यहां पर रोड शो के जरिए निकाली जा रही है। जनता का आभार यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन आभार यात्रा के जरिए जता रहे और इसके साथ ही साथ आज सागर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली। बड़ा दिन है सागर के लिए। भारी संख्या में यहां पर देख सकते हैं जनता की भीड़ मौजूद है अपने सीएम का स्वागत करने के लिए। फूलों की मालाओं से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे आभार यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इसमें जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम स्थानीय कार्यकर्ता भी इस दौरान इस रोड शो में, इस जन आभार यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद है। उनका समर्थन करने के लिए यहां पर कई स्थानीय नेता भी पहुंचे हुए। रोड शो किया जा रहा है, जन आभार यात्रा निकाली जा रही है और इसके बाद संभागीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की जाएगी। कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की जो बैठक है वो की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर जोर शोर स्वागत किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ आज सागर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। अफसरों की बैठक भी इसके साथ ही साथ ली जाएगी, उनके कामों की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। और बता दें कि इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। आज उनके कई जिलों के दौरे हैं और इसी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर पहुंचे हुए हैं। सागर में रोड शो किया जा रहा है। जिले के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज किया जाएगा और सागर संभाग की समीक्षा बैठक भी इस दौरान ली जाएगी। सीएम पहले सागर संभाग में कानून और व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद विकास कार्यों के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक की जाएगी। बहत्तर करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात आज सागर को मिलने वाली है। लोकार्पण और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन आज किया जाएगा।